नेक्स्ट मेथड हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की, फ्रॉम कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के कार्बोनाइलेशन से हम कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इस बारे में हम ध्यान दें। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि इस रिएक्शन को हम कोच रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन आई टेक अ मिक्सचर ऑफ अल्कीन, देखिए इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस विच यू हैव यूज टू मेक अल्डिहाइड्स, विच यू हैव यूज टू मेक अल्डिहाइड फ्रॉम अल्कीन, बिल्कुल वैसी की वैसी ही कुछ तरह की रिएक्शन है। जैसे हमने यहाँ पर लीजिए एक अल्कीन लिया, तो हम एक अल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम, आपने क्या लिया, अल्कीन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और स्टीम लिया, और इन तीनों के मिक्सचर को आपने H3PO4 की प्रेजेंस में एक अच्छे खासे प्रेशर और 350 डिग्री सेल्सियस पर, जब आपने तीनों के मिक्सचर को गर्म किया, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एट प्रेशर एंड एट 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको जो अल्कीन होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने अल्कीन लिया ना, बिल्कुल वही का वही, उसी का ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है। जैसे आपने मान लीजिए इथिन लिया और इथिन की रिएक्शन आपने इन दोनों से करी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको मिलेगा CH3CH2COH, ठीक। मान लीजिए मैं थोड़ा सा हैवी कार्बोक्सिलिक थोड़ा सा बड़ा अल्कीन लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो आप देखिए इन तीनों के मिक्सचर को आपने गर्म किया, आपने अल्कीन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और स्टीम लिया, और इन तीनों के मिक्सचर को आपने H3PO4 की प्रेजेंस में प्रेशर पर 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाना है, ओके। और इस रिएक्शन को हमने, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, इस रिएक्शन को हम कोच रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है।